नमस्कार दोस्तों, अभिनेता का बेटा अभिनेता और नेता का बेटा नेता ही बनेगा, अब ये धारणा बदलने लगी है। यही वजह है कि अब एक रंगाई करने वाला भी नगर परिषद चुनाव में चेयरमैनी का दावा करने लगा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर कश्यप, जो पिछले 50 वर्षों से कुरुक्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से थानेसर शहर के अंदर रंगाई के काम में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि शहर का कोई शायद ऐसा शख्स होगा या ऐसी गृहिणी होगी जो इन्हें ना जानती हो। अब इन्होंने थानेसर नगर परिषद में, इनके परिवार ने, परिवार की ओर से नगर परिषद की चेयरमैनी का दावा ठोका गया है। आज हम इनसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मवीर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार धर्मवीर जी। नमस्कार जी। धर्मवीर जी, जैसे आप इतने वर्षों से, इतने दशकों से, मैं भी पर्सनली आपको देखता हूँ कि आप बाजार में रंगाई का काम करते हैं। हनुमान मंदिर के पीछे आपकी दुकान है, सारा दिन आप ग्राहकों में बिजी रहते हैं, कमाई में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको राजनीति में उतरने का ख्याल कैसे आया? राजेश जी, आप जानते ही हैं बाजार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हर कोई कहता है विकास विकास विकास, कोई भी कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो हमारे को देखने को मिले। मैं इसमें बदलाव चाहता हूँ, मेरा परिवार इसमें बदलाव चाहता है, इसलिए मैं राजनीति में उतरा हूँ। मतलब बदलाव की शुरुआत आप अपने से करना चाहते हैं? मैं अपने आप से बदलाव की शुरुआत करना चाहता हूँ और अपने भाई, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, अपने मतलब सदस्यों के साथ भरोसा रखने के लिए चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब पूरी फाइनल है कि आप चुनाव में उतरेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो धर्मवीर जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार थानेसर नगर परिषद की जो सीट है महिला के लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि आप पुरुष हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे में चुनाव आपके परिवार से कोई लड़ेगा सदस्य? हाँ जी, मेरे परिवार से लेडी चुनाव लड़ेगी जी। मेरे परिवार मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगा, और जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो धर्मवीर जी, आप चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे या किसी राजनीतिक दल के टिकट पर उतरेंगे? राजेश जी, मैं पूजनीय देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय भाई, जैसा भी हमारे पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे साथ हैं रामपाल सोडी जी, खान, तनु खान, हाँ जी, जितने लोग नेता हैं मेरे साथ हैं वो, जैसे भी हमारे अभय भाई का, चौटाला साहब का, जो भी उनके मार्गदर्शन तैयारी कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो धर्मवीर जी, आपको क्या लगता है कि जो आपकी, जैसे आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, आपकी जीत का आधार क्या रहेगा? कि मतलब किन लोगों की आपको सपोर्ट है, परिवार की, आपके समाज की, आपके साथी कोई रिश्तेदारों की, किन किन की सपोर्ट आपको, जिनके दम पर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? मेरे साथ मेरा सारा परिवार है जी, मेरे जवान भाई हैं, नौजवान भाई, मेरे मेरे बुजुर्ग हैं और मेरी माँ बहन, सब मेरे साथ हैं। ये जो जनता है, मेरे परिवार का एक हिस्सा है, ये मेरे ऊपर कृपा करेगी, अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी, तो मैं जीत उनके सामने। तो कुरुक्षेत्र की जनता यदि आपको नगर परिषद का चेयरमैन चुनती है, आपके परिवार के महिला सदस्य को नगर परिषद का चेयरमैन चुनती है, तो कुरुक्षेत्र में आप किस तरह की विकास करेंगे या क्या करेंगे आप कुरुक्षेत्र के लिए? मैं कुरुक्षेत्र के लिए जो भी नगर परिषद में जो भी किसी कार्य है, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, टाइम से पहले उसको खत्म कर दूंगा। मतलब निष्पक्ष भाव से आप कह रहे हैं कि काम सच्चाई से और बगैर उसके मैं इसको भ्रष्टाचार के करके दिखा दूंगा। धर्मवीर जी, जैसे आप इस समय, आपका निवास स्थान कहाँ पे? इस समय तो जो इस समय आप रह रहे हैं, जहाँ गांधीनगर, गांधीनगर में, मतलब स्थायी निवासी गांधीनगर के हैं जी। शहर में आपका कारोबार है, मतलब ये मानते हैं कि शहर में आपकी अच्छी पकड़ है। हाँ जी, हाँ जी। और इनेलो पार्टी से आप चुनाव मैदान उतरने को तैयार है? हाँ जी, हाँ जी। तो जी चलिए, अच्छी बात है कि आपने अपने रणनीति का खुलासा किया। और कोई कुछ अगर आप कहना चाहें कि किस बेस पे आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, या जीत के बाद आप क्या कोई वादे कोई जनता से करना चाहें? मैं फिलहाल कोई वादा नहीं करूंगा, अगर जीत गया तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो जनता खुद समझेगी अभी कुछ हो रहा है, मैं दिखाऊंगा करके। चलिए, ये थे हमारे साथ धर्मवीर कश्यप जी, जिन्होंने अपने परिवार की महिला की ओर से थानेसर नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोकी है, दावेदारी भी इनेलो पार्टी की ओर से। अब जिस प्रकार आप देखना होगा कि हरियाणा सरकार कब नगर परिषद चुनावों की तारीख का ऐलान करती है, ऐसे में एक बात तो तय है कि धर्मवीर कश्यप ने, यानी एक और शख्स ने, नगर परिषद चेयरमैन के लिए दावेदारी ठोक दी है।